हेलो हेलो नमस्कार जी। हाँ जी कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने। अच्छा, तो इस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, दो मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर जी हो, जागरूक और एकदम। सर्दियां आने ही वाली है भाई साहब, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास। सर्दी में गर्मी का एहसास इस विषय पर चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ, वो है कि रजाई। रजाई रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? आप बोलिए, सुन रहे हैं? बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। कैसे वो फट जाएगा गला? गला बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? ये दो चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही है। एक तो NGT जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है RGT। RGT क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं। रजाई की गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान मान जाओ। नाम क्या बेटा की? जितना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाले हैं? बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानी आएंगी। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, एक सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ। इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे हैं। हाँ, वो बाप की सड़क है, उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी, आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचाएगी? ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। ट्रैफिक रूल के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। कैसे साबित भी किया जा सकता है। मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जय सुनिए। हेलो। कौन? हेलो। कभी कभी मैं डुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। वो तो कोई एक्सीडेंट। लेडी कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं है, अमित बात।
डोंट टेल मी प्लीज टेल मी आई नीड इट मेरी वाइफ आप फोन करके कि मैं बहुआ बोल रही हूं आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट कंप्लेंट नहीं बात प्लीज मेरी घर फुटेंट चली गई है आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी मतलब का आपका तूने कुछ किया होगा मैंने कहा पहली मुड़िया काट से मैंने उसे सब सच सच बता दिया क्या सच बताया था कि वो कितनी बदसूरत दिखती है ना उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आज मैं देखा तुमको ऐसी आगे उसको नहीं बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी जाएगी ना चाहे तो जाए मैं झूठ क्यों बोल रू रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं दिखता तू बड़ी लंबे में बातें कर रहे क्या बात है दूसरे बॉयफ्रेंड इसकी टाटा कभी नहीं था अच्छा उसको कभी बाहर ही नहीं लगा की झूठ लगेगी होती का खाने नहीं खिला की मोटी होगी वेरी गुड फिर क्यों गई छोड़ कर अब तो लड़की तो पूरा मानेगी मानेगी मुझे मानी लड़की को बाहर ही तो घूमना है बाहर घूमना होता है टूरिज्म खरीदना तो मलेशिया जाओ मेरी जिंदगी में कमाई तुम तो जैसे लड़ी हो तो अच्छा मैं छोड़ दिया लड़की ने बड़ी लड़की है नहीं बवाल बढ़वा दी जाती अच्छा मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती क्या करती तुम आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया क्या किया उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ कोई नहीं है अच्छा कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए उसकी घर चला गया मैं भी वही किया मैं उसके घर गया लेकिन अपनी पूरी फैमिली के साथ कितने लोग जाएंगे उसका मन लगा जाएगा बहुत अच्छा काम किया उसी पर छोड़ के भग गई हो बहुत अच्छा पागला ही आई सको ज्वाइंट फैमिली में बुरी क्यों करती हूँ शादी के बाद भी क्या ज्वाइंट फैमिली के साथ मनाया अब मुझे इशारा मिलेगा है आज वो सिंगल चल तो बवाल बनवाए अपना मेरी बात सुनिए आप ये टॉपिक इतने लोग इतनी दफे दे चुके हैं कि अब पब्लिक डिमांड पर करना ही पड़ा कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बउआ ने मजे के इसीलिए सुनते हैं आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण हेलो हाँ जी आपकी आवाज सुन के लग रहा नंबर व्यस्त नहीं नंबर मस्त था जी है कौन आप किससे बात कर रही हैं जी जी हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ मुझे लगता आपने कहीं गलत जगह आप सुनिए तो लेती मैं कह गया था लेकिन आपसे क्यों बात करूँ मैं आपको जानती ही नहीं हूँ नहीं तो मुझे चिड़ियाघर का पता बता दीजिए मेहमान आने वाले उनके लिए चाय बनाना अर्जेंट प्लीज हेलो फोन काट गई है आप सो डूड ऑफ यू आपको कोई काम है आपको कोई बात करनी है मैं क्या जाते चिड़ियाघर बताइए मेहमान आते होंगे चाय बनाना है चिड़ियाघर जाना क्यों चाय बनाने के लिए आप क्या चाय कर चाय को कौन तो जो आप बताइए चाय कैसे बनती है पैन में लीजिए पानी उबालिए ठीक है चाय पत्ती डालिए चीनी डालिए दूध डालिए और उबलने के बाद छान के गेस्ट को दे दीजिए हाँ गेस्ट को दे दीजिए गेस्ट जला ही नहीं उबलेगी कैसे लेगी गैस चलानी भी मैं बताऊंगी क्या गैस उठाओ और गैस चलाइए लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़ी बाकी है जिसकी वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ेगा सोचिए क्या इलायची बड़ा इलायची नहीं नहीं हजार साल पहले आपके पूर्वज क्या थे हमारे पूर्वज क्या थे मतलब इतिहास में पढ़ा है बंदर थे व्हाट डू यू मीन तो आपने फोन किया नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे और उस बंदर की वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊंगा चाय का बंदर से क्या लेना देना मैं कहता हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना आप आई गेट यू आई गेट यू व्हाट गेट यू उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है इसके अदरक उसके लिए यूजलेस है मैं उधर जाऊंगा उससे अदरक लूंगा घर जाऊंगा चाय बनाऊंगा मेहमान को पिलाऊंगा बात खलास मुझे आप आपके जो सब बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा ये आपने देखा पैदा हुए आप पैदा छोटो आपने अभी तक देखा ही कहा है और भैया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये दी मैं पैदा नहीं हुआ समझी डाउनलोड हुआ हूँ डाउनलोड आपका आई कैन टॉक टू यू ये भी आई डोंट हाय यो आई विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है ये सुनिए क्या किया बउआ ने हेलो हाँ जी कौन यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है हाँ मैं मार्केट में था आप कौन हाँ होते तो थोड़ी शोर होता मार्केट में हूँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना पास्ट टेंस क्यों कर रहा है आप और कौन बताओ तो सही अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ बउआ कौन अच्छा मैं सुनिए मैं कह रहा था की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया अच्छा फिर क्या करूँ उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक तुझे बताऊंगा मुझे कैसे बताऊंगा पेरिस हिल्टन को जानते हैं जस्टिन बीबर को हाँ तेरा बाप है
ना वो मैं नहीं मम्मी जब आप होते तो मैं टेडी को फोन कर रहा होता क्यों कर रहा है फिर ये बता मैं ये सोच रहा हूँ हेलो क्या सोच रहा है बोलो हाँ तो हाँ हूँ तो कर पता तो चले फोन पे है हाँ बोल क्या सोच रहा है जो अंटार्कटिका की बर्फ है उस बर्फ को अपने इसीलिए मैंने पॉज दिया मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है अपने बात को हेलो यार फोन काट गए उनके तेरे लिए टाइम छोड़ दिया मेरे पास यार मैं सोच रहा था तू सोच रहा था मुझे क्यों सुना रहा है यार सुनिए ना छोड़ आप भी कुछ यहाँ की बातें कर रहे हैं अंटार्कटिका इंग्लैंड में यहाँ की बातें कर रहा यहाँ की बात क्यों कर दूं मैं ये दूर की सोच है अंटार्कटिका इंग्लैंड हेलो दूर की सोच अपने तक रहे मेरे पास क्या आ रहा है और एक दूर की देखो मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख है उन्हें अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है ऊँटों को पता नहीं बट वहाँ पे गधे को शरबत दे रहे हैं तो तू वहाँ पे चला गलत बोल रहे भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है ऐसे मैं सोच कूड़ी की पूरी व्हेल मछली हाँ तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार तू दूर की सोच मैं जा नहीं सकता तो वेरी गुड हेलो काट दिया अमित कह रहे थे रौनक भाई अगर बउआ हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए तो अपने सलून में क्या माहौल जमाएगा जरा इस पे कुछ सुनिए आप हेलो देखिए मैंने अपना सैलून खोला मैं हेयर स्टाइलिस्ट बउआ बोल रहा हूँ तू किसको फोन लाए बता तो सही किस देखिए मैं जो पहले ग्राहक आया है मुझे दुकान की बोहनी हो रही है लेकिन छोटे से गड़बड़ हो गया ऐसे सर्विस देते हैं अब कौन आप अंकिल नहीं नहीं देखिए आपने क्या कहा था म्यूजिक एंड हेयर कटिंग टुगेदर हेलो भाई साहब सुनो क्या हुआ कि मैं इनका बाल काट रहा था और अचानक गाना डूब गया अब तो फिर क्या हो गया दोबारा चला ले दोबारा चला दो एक सुनिए वापस दोबारा चला दो क्यों आप काटिए काटू काट दो ऐसा होता है ये सब हेलो आप फोन काट दिए अंकल अबे साले तू बाल काटने में फोन काट लूँ अबे मैं कह रहा हूँ मेरा सीडी प्लेयर खराब होगा गाना बीच में रुक जाएगा ले ले सीडी प्लेयर को चलने लगा ये कस्टमर गुस्सा कर दे नहीं देखिए बाल कटने के समय इन्होंने कहा था म्यूजिक इज अ कॉम्बो अच्छा कॉम्बो ये यानी म्यूजिक यहाँ पे रुक जाए तू भी तेरा कस्टमर भी कस्टमर इज किंग ये तो बात ही नहीं हुई थी कस्टमर आप कह रहे कस्टमर डिश अबे कस्टमर इज आप मेरे काम करो मशीन मारो यार खत्म करो मशीन मारो अबे यार तू मार दे भाई मार दे एक सेकंड 3 2 1 अबे क्या कर दिया तूने उसको मशीन मारने को बोल दिया मार अबे मशीन चला दे मार दे सर पे थोड़ी मार दे चला नहीं ये मशीन चला दो 3 2 1 कस्टमर डिश क्या है यो अबे कस्टमर सॉरी फोन कट गया है यो हेलो नमस्कार जी नमस्ते जी सुरभि बोल रही हूँ जी बताइए जी मैं युग से बात कर रही हूँ जी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो दिया था हाँ हाँ जी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड चेक करना था सर हाँ जी पूछिए हमारा एग्जीक्यूटिव है वो बात करेगा आपसे जी जी नया लड़का है जरा बात कर लीजिए डिटेल इसे लिखवा दीजिए आप हाँ जी बात करिए थैंक यू लेडीज यू वेलकम अच्छा कब आना कहाँ पे शट अप ये भी हंसेगा हेलो नमस्ते अंकल हाँ नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जरा डिटेल लिखवा दीजिए नाम दीपू चौधरी दीपू चौधरी अच्छा और कहाँ पढ़े रहते हो मैं से पढ़ा हुआ हूँ नहीं नहीं पढ़े कहाँ रहते हो अरे पढ़े कहाँ रहे तो मतलब क्या है यार सर मतलब घर कहाँ है पूछ रहा हो अरे तो ये पूछिए ना कि घर कहाँ है मेरा नहीं तो बात तो वही है ना कहाँ पढ़े रहते हो मतलब अरे यार बात कैसे वही अच्छा सॉरी ना बोलने का ठीक है ओके सॉरी सर नया है लड़का हाँ सॉरी तेरे बाप क्या करते हैं दिमाग ठीक है ये बताओ सर वो वही पूछा ना आपके पापा क्या करते हैं ये पूछे ना कि पापा क्या करते हैं पापा हम डेटो के चोटिले थे असली में तो बाप ही होता है ना नहीं तो दो चापड़ा भी
सीधे सीधे जो पूछना वो पूछना। अच्छा घर पे दादी दादा जी है? नहीं दादा दादी तो नहीं, वो नहीं है। अच्छा आए तो बोलिए, मैं तो फोन आया था। तुम यहाँ बात नहीं का मतलब है गुजर गए दुनिया में नहीं। दुनिया भाई साहब गंदा नहीं बोल रहे, मैं कह रही हूँ आपसे। अरे यार आप अपने इसको समझाइए ना किसी को। क्या मैंने क्या गलत बोला? कोई तुमने सही सवाल पूछा है, सीधे पूछो ना क्या पूछ रहे हो। भाई साहब उसका तरीका गलत हो सकता है, आदमी गलत नहीं है बउआ। अरे तो उसका तरीका गलत है, आपका सही तो आप ही पूछिए ना। मैं थोड़ी काम उसका है, आप उससे बात करो। आप लेडीज से थोड़े तमीज से बात करिए, मुझसे बोल आपके मौसी की बहन का नाम क्या है? मौसी की बहन का नाम? मौसी की बहन यानी हमारी मम्मी का नाम। मम्मी का नाम? अरे उठल गई तुम्हारी। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? अरे आप भी इसके साथ मिली हुई हो। मौसी की बहन फोन रख दिया। हेलो मैडम, ये एक लड़का है पीसीओ पे खड़ा है। पीसीओ पे? हाँ जी, वो बात करना चाह रहा है। आप जरा बात करिए, कैसे तो बात कर रहे हैं। हेलो कौन बोल रहे हैं? HEIIO कौन बोल रहे हैं आप? IAM कौन बोल रहे हैं? BAUAABOLAIYAHUN बुआ BAUAA। अरे आप जो भी बोल रहे हैं आप मेरे को ठीक ठीक बताइए, आपको क्या बात करनी है? स्पेलिंग में क्या बोल रहे हैं? AGE। अरे यस अजय क्या चाहिए? अरे मैडम वो स्पेलिंग में ही बात करते, करिए ना आप बात करिए। अरे यार तू कौन है, ये किससे बात कराया जा रहा है मेरी? BAUAHERE फोन रख लो। तू मानेगा नहीं ना। HMMM क्या है? यार बड़ा ही गधा लड़का तू। SORDYLADIES LISTEN तू लिसन तो कर ही रही हूँ मैं तेरे को। HALO SALA शालिया HABA और कम अगेन GHADA गड्ढा। हाँ ULLU HHMIGOD क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ILOVEYOU क्या? ओह यू आर सेइंग क्या मतलब समझ में आया? अबे साले तुम अपनी आवाज देखिए, जाके अपनी माँ बहन को बोलो। मैडम अच्छी आवाज तो है, ऐसे क्या हो गया? अब ये कौन बोला? मैम PCO WALL PCO आया RKHDIYA। अच्छा डक दिया। ओके सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की तो लोग करेंगे। ये सुनिए बहुआ बन के हमने क्या किया। हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं उत्तर पुत्री लिखा है। हाँ जो भी है पुत्री सब गलत है। पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बहुआ बोल रही हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरु जी मेरे टीचर मेरे को डांट रहे हैं। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन फोन लगाइए। हाँ बोल। इसने क्वेश्चन पूछा था हंसी तो फंसी। हाँ तो और रोई तो? हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया बता, इनको बता लो। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। पागल है क्या तू? पागल एक पता ही मास्टर जी। सवाल ये शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है फिर शराब आदमी को पीती है और ये नालायक लिखता है। मैं बताता हूँ भैया। मैंने क्या फीलिंग ब्लैंक्स ये आया था कि पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं मैंने अलग लिखा है ना थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है। गंदी बात नहीं बोल रही है। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रही है? क्या किया प्रश्न पत्र में पेशाब कर रहा है? पेशाब कर रहा है बहुत बेकार बच्चा। कहाँ भाई वो पागल? फोन कर दू क्यों? काट दू फोन। तेरी कोई बकवास कर रहा है? को डांट गया है डांटा वो। क्यों डांट गया? सही डांट। अरे तो पेशाब करता है। खजवाइयों ने मुझे यही सिखाया है। क्या
क्या सिखा है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, चौक है, चौक टेबल चेक है, टेबल चेक हमको जी मार दो। क्या बोले तुमने? मास्टर साहब दोनों दोनों हेलो 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 हाँ कौन भाई? भाई देख एक बार वापस हेलो भाई हेलो एक बात में अरे कौन बोल रहा है सुबह सुबह ऐसा रहा है एक बात में भाई साहब हेलो अंकिल दो पैसे की आवाज है अभी कौन बोल रहा है भाई सुबह सुबह कह रहा हूँ जब आवाज आपकी दो पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा कौन कौन रहा तो शकल कितनी खड़ा हुआ भाई साहब मेरे भाई मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे एक मिनट चाहिए था मैं ये कह रहा था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात करे लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि जो तेरी आवाज है ना मैं? सुन अभी तो इतना तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी समझा अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को जब सड़क पर निकलता होगा मेरी बात सुन लोग सलाम करते होंगे तेरे को लड़कियां मरती होंगी तेरे पे लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे भाई साहब आगे इज्जत करते होंगे चल एकदम से क्या हो गया तेरे को तो जो गलत बोल रहा है जो गाली दे रहा है मेरी बात सुन वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुस गया है तुम मिलेगा ना तेरा पैर छू लेंगे लोग और काट के लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे एकदम से तेरे क्या हो गया अभी हंस रहा था एकदम से तेरे मिर्ची लग गई गलत क्यों बोल रहे मैं गलत क्या बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ अरे हंसता हंसता एकदम से अब आप भी अजीब आदमी देखो हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है लोग आपके पीछे पागल है तब तेरे को बुरा लग रहा है भाई साहब दो पैसे दो रोड़े पड़ रहे क्या बहुत अच्छा आदमी है तू खुश रहना चाहिए काले थप्पड़ मारूंगा तेरे ऊपर इतने लात मारूंगा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बबू बल्लू अकेले बस हेलो हेलो यस इंग्लिश और हिंदी कुछ भी कौन बोल रहा मैं बबू भाई साहब नमस्ते नमस्ते कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं अक्षय तृतीया त्योहार होता है जी 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 सोना खरीदो तो शुभ होता है हाँ भाई कैसा है कौन है क्या मैं बउआ भाई साहब मैं कह रहा था नाम वाम तो ठीक है लोग सोना चाहते हैं कि नहीं गोल्ड तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा कैसे मैं बताता हूँ अच्छा बताओ क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी नींद में आपको आएंगे सपने जी सपने तो सपने होते हैं जी बाकी सब अपने होते हैं सॉरी तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे हर आदमी देखता है बड़ा आदमी आदमी तीन तरीके से बन सकता है एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना
फेमस हो के भी क्या बैठे, जब शक्ल ही नहीं अकल ही नहीं पैसा ही नहीं, फेमस हो खामखा फेमस हो नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा शोहरत आएगी दौलत आएगी तब आप क्या करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकते हैं, उसके बाद बहुत पैसा थोड़ा माल लूट ले, वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले देखो इतने लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं, लोगों के पास गहने होते आपके तो बड़ी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना, भगवान ने करे आपके 28.5 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ, दांतों की दुआ फिल्म बुआ 93.5 FM बजाते थे, कमाल होगा भाई साहब, कोई चीजी नहीं सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए ऐसा भी पॉसिबल है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी भाई साहब नमस्ते, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ना भैया। बी कॉन जी की एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है, बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, एक सवा मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा हुआ मेरे को शामिल नहीं। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब पागलबंदी एकदम शानदार चीज है, करे करे आगे बोल की मैंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया, आपने सुना अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं जी, नाचीज को बउआ जी, पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं, नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। एक जो जिम जाते हैं मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा, जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज के, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज के, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है, वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे, तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वो नाचीज होता है। हाँ समझे आप, नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब, क्या कर रहे हैं ये गलत बोल। बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिमपारी कुंजी कहती है वाई ZF से रॉकिंग है। ये सफलता की कुंजी है शिमपारी जी, ZF से रॉकिंग ZF बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो हेलो नमस्ते, नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूँ, आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों हाँ बोलो बोल प्रपोज दे ना भाई साहब। प्रपोज दे यार, बता। प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहला पैसा होना चाहिए। नहीं गलत जगह है, सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए? फिर थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए, फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ हिम्मत जरूरी है कि लड़की के पास जाए, जैसे फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूँ तो? ना भैया बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। यहाँ पर मारूंगा औकात के बाद क्या? अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए? औकात के बाद फिर तुम बता दो क्या होना चाहिए, मैं तो बताना। शकल होनी चाहिए, शकल।
शकल शकल तो भाई अच्छे अच्छे नकेल करते हैं। शकल पेट क्या होना चाहिए? देखिए शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। अकल होनी चाहिए बताया गया ना, और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। पैसा तो शुरू में बताया, तो शुरू में तो लड़की बताए ना, शुरू में पैसा लेके क्या करते? अच्छा 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते बात कर रहे अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे बता, आप जिससे बेले आदमी है, जितना बात कर रहे हैं टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे मुझसे। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पैसा है, टाइम है, अकल है, हिम्मत है, तो ये प्रपोज दे वपोज दे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। अब गलत मेरे को बोल रही हो, हिम्मत का समाज के लिए काम करो ना, मजे काम करो। तू बताएगा हमको प्रपोज दे, नंबर दे, नंबर दे, तेरा नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। भी आ गया तो 93.5 FM अंगिल बहुआ बोल फाइव मिलते हैं।